हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट टाइप का रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि चिली श्रिम्प। शायद आप लोगों को पसंद है श्रिम्प, और मुझे तो बहुत ही पसंद है, मेरा तो फेवरेट ही है। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बनाऊंगा और कैसे क्या क्या डालता है उस पर। तो पहले सबसे पहले साफ करते हैं उसको। साफ करते हुए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से साफ करना चाहिए। आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी मैं अपने तरफ से दिखा देना ज्यादा अच्छा समझता। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर एंडिंग तक। काला वाला निकलता है एक, देखिए यहां से जो है कितना निकलना जरूरी है। कर देता हूं यहाँ पे शिफ्ट। अब डालूंगा यहाँ पे रेड पेपरिका, गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर और ऑनियन पाउडर थोड़ा अच्छे से डालना, ताकि स्मेल थोड़ा ना आए इसमें। ये ऑनियन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, अब डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसके बाद एक अंडा, थोड़ा सा पानी। अब करेंगे इसको मिक्स। थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर मिला देते इसमें, हो चुका है। अब करते हैं ऑयल गरम। तो मैंने लिया है ऑनियन, कैप्सिकम दो कलर का, और ग्रीन चिल्ली जो कि मैंने साफ करके रख दिया है। अब इसको हम लोग काटेंगे, जब तक तब तक ऑयल भी फ्राई हो जाता है, ऑयल गरम हो जाता है, नॉट फ्राई। तेल हो चुका है अच्छी तरह गरम, मैंने चेक कर लिया है, वो डाल के छोटा सा पीस। Thank you.
करके ट्राई, ऐसा करते करते हम लोगों को फिर ट्राई करना चाहिए। तो ये हो चुका है पूरा का पूरा फ्राई अच्छे से। अब इसको मैं बनाऊंगा वेजिटेबल के साथ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, इसको करते थोड़ा अच्छे से गरम, फिर डालता जिंजर गार्लिक चॉप। अब हो गया है लहसुन और अदरक थोड़ा सा ब्राउन, अब डाल देंगे ऑनियन कैप्सिकम। अब डालते हैं हम लोग श्रिंक। तो उसके बाद थोड़ा सा वाइट विनेगर, और आपके पास अगर टोमेटो चिली सॉस है तो चिली सॉस डालना। मैं डाल रहा हूँ सेरेरा से हॉट एंड सॉस, स्वीट एंड हॉट सॉस। नमक अभी बिल्कुल नहीं डालना है, नमक क्योंकि हमने पहले ही डाल दिया इसमें, और सोया सॉस डाला हुआ है, सोया सॉस ऑलरेडी सॉल्टी होता है। थोड़ा ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ डालेंगे। तो ये हो चुका है अब रेडी। आपको मैं यहाँ ये प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइज ये था मेरा चिली श्रिंप वाला रेसिपी जो कि आप लोग ने देख लिया। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और घर पे ट्राई भी जरूर करना। सिंपल है, इजी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नई रेसिपी के साथ और या फिर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।